गुड इवनिंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से साथ साथ आप हमारे साथ साथ पढ़ रहे हो। सर आप बहुत धीरे चलते हो। सर हमारी मैडम ने तो ऑलरेडी ये 3 चैप्टर करवा दिए। सर मैंने कहा ना, आप अपने कानों में रुई डाल लो या वो ईयर प्लग्स डाल लो अगर आप चाहते हो कि आपके परसेंटेज 95 से अबव आए और हो सके तो पूरे 100 में से 100 भी आ जाए। जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ, जो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई कैन गिव यू अ रिटन गारंटी ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, यस 100 मार्क्स। आप मेरा भरोसा रखो। और हाँ, ज्यादा तेज दौड़ने से नहीं होगा, ज्यादा समझने से पढ़ाई हो पाएगी। अब हम आगे बढ़े। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 1 और चैप्टर का नाम था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक किया, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप अच्छे से जानते हो द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आगे आ गए, फिर हम आए सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक खत्म कर दिए थे। एक टॉपिक था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें आपने 4 तरह के गुड्स पढ़े थे, जिसमें आपने 4 तरह के गुड्स पढ़े थे। एक कैपिटल गुड्स पढ़े, फिर आपने कंज्यूमर गुड्स पढ़े, फाइनल गुड्स पढ़े, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े। नहीं सर, नहीं, पहले फाइनल, फिर इंटरमीडिएट, फिर कंजम्पशन और उसके बाद कैपिटल। नहीं बेटा, कैसे भी कह सकते हो आप, आपने 4 तरह के गुड्स पढ़े। फिर आगे चले तो हमने पढ़ा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने कहा द एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड, द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट when government give mid day meals or when government provides some goods to defense personnel, the consumption expenditure done by the NPOs for charity, all that when we add, we get the total consumption expenditure. We get the total consumption expenditure. पर सर हमने इसे पढ़ा क्यों, इसका यूज कहाँ होगा? मैंने कहा जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, वहां पे इसका यूज आएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा टॉपिक नंबर 3 और उस टॉपिक का नाम था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स। हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने कहा था ना, एक इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स मींस द टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। एंड व्हाट इज कैपिटल स्टॉक, बेसिकली देयर आर 2, 1 फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड 2 इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से मतलब था एडिशन इन द असेट्स और इन्वेंटरी से मतलब था एडिशन इन द स्टॉक। और स्टॉक यहाँ पे हम 3 तरह का लेते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। हाँ सर, हाँ यही पढ़ा था। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वो भी हमने पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, वो भी हमने पढ़ा था। हाँ सर हमने पढ़ा था, सर पढ़ा था। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट वाज द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आओ आज हम टॉपिक नंबर 3 को कंप्लीट करें और टॉपिक नंबर 4 को कंप्लीट करें, फिर हम आगे चलेंगे। कल हम करेंगे टॉपिक नंबर 5 और 6। टॉपिक नंबर 5 थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमें अब धीरे धीरे चलना होगा, 5, 6 और 7 को खत्म करना होगा। आओ फटाफट इसे हम खत्म करें। टॉपिक 3 के अंदर हमारे पास क्या था बेटे, हमारे पास था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही टॉपिक हमारे पास एक रह गया था इसके अंदर से। टॉपिक 3 के अंदर से हमने ये कर दिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने कर दिया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये हमने कर दिया था। जो रह गया था वो था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और यही हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सुनो, 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक नेट इन्वेस्टमेंट। सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बात समझा दूं। अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लो कि पूरा टॉपिक समझ में आ गया। सुनो मेरी बात, ग्रॉस और नेट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अकाउंट्स के बच्चे तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं ग्रॉस का वर्ड क्या है, ये व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो सर ये क्या हो गया, मान लो आपके पास 4 मशीन है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, ये मार्कर बनाने का बिजनेस कर रहे हो, यही बिजनेस आप करते हो, यू प्रोड्यूस दिस मार्कर्स। सर ये कौन सी कंपनी के मार्कर है, सर आप एड नहीं दे रहे हो। अरे नहीं बेटा, कोई भी हो, बस आप ये बिजनेस कर रहे हो मार्कर बनाने का। और कितनी मशीन है आपके पास, सर हमारे पास टोटल 4 मशीन है।
और मशीन की उम्र जो आपने डिसाइड की, द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन एज पर यू यू हैव डिसाइडेड इट्स 5 years, कि 5 साल में मशीन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब 5वां साल है आपके बिजनेस को और अब एक मशीन ऑलरेडी खत्म होने वाली है। आपने उस मशीन को बेच दिया और उसकी जगह पे एक नई मशीन निकाल दी, एक नई मशीन लगा दी। अब फिर कितनी मशीनें आपके पास हैं? सर 5, सर 4, पांचवी तो आपने एक बेच दी, चौथी, फोर्थ मशीन आपने बेच दी और उसकी जगह पे आपने एक और मशीन लगा दी। आपने नो डाउट इन्वेस्टमेंट तो की, नो डाउट यू हैव मेड अ इन्वेस्टमेंट, बट दैट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उस इन्वेस्टमेंट के करने से आपकी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जितने पेन आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, जितने मार्कर आप पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, उतने ही मार्कर आप आज भी प्रोड्यूस करोगे। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपने किया क्या, आपने रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन किया। जो मशीन डेप्रिसिएट हो रही थी, जो मशीन डेप्रिसिएशन हो रही थी, जो घिस रही थी, जो यूज कर करके खत्म हो रही थी, उस मशीन को निकाल दिया और उसकी जगह पे एक नई मशीन लगा दी। दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। नाउ वो तो जो मशीन खत्म हो रही थी उसको बेचा और एक नई मशीन लगा दी, क्या इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं सर, नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास 4 मशीन है और आप दिन रात इस मार्कर को प्रोड्यूस कर रहे हो और आज आपने एक और मशीन ऐड कर दी, अब बताओ उस मशीन के ऐड करने से क्या आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। बस यही छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है, बहुत छोटी सी बात है जो मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल में समझाने की कोशिश की। आओ चले फटाफट जल्दी से पढ़े, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। आ जाओ फटाफट, इधर देखो क्या लिखा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द टोटल एडिशन, इसको अंडरलाइन कर लो। सर बहुत गंदी राइटिंग है, अरे सुनो ना, मैं बोल तो रहा हूं साथ साथ। द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बस दो ही वर्ड याद रखने हैं, एक द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। सर कैपिटल स्टॉक क्या होता है? अब दोबारा नहीं पूछना, अब नहीं पूछना, नहीं तो मैं फोन में से आऊंगा और आपको 2 लगा के चला जाऊंगा। सर आप झूठ बोल रहे हो, सर आप फोन में से नहीं आ सकते। आप आंखें बंद करो और मुझे याद करो, मैं अभी आपके सामने आऊंगा और कस के आपको एक चाटा लगाऊंगा और चला जाऊंगा। करो तो सही आंखें बंद आप। हाँ सर कर ली, वो देखो मैं आ गया और ये लगा कस के आपके। क्यों पूछ रहे हो कैपिटल स्टॉक क्या होता है? अभी तो करवाया था, कैपिटल स्टॉक के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। कहा तो था। हाँ सर याद आ गया, सर याद आ गया। तो जो टोटल एडिशन हुआ इन कैपिटल स्टॉक एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में, जितना टोटल एडिशन हुआ उसे हम कह देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सर ये टोटल एडिशन क्या होता है? मैंने अभी तो आपको समझाया टोटल एडिशन के बारे में। ये देखो टोटल एडिशन क्या होता है, अब हम देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल एडिशन। तो टोटल एडिशन क्या है? कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो ऑलरेडी आपके पास 4 मशीन थी, 4 मशीन काम कर रही थी, उसमें से एक मशीन डेप्रिशिएट हो रही थी, आपने उस मशीन को निकाल दिया और उसकी जगह पे एक और मशीन ले आए। फिर मशीनें कितनी है? सर 4। तो रिप्लेसमेंट हुई, एडिशन नहीं हुआ। क्या हुआ? रिप्लेसमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट बट नाउ यू हैव रिप्लेस द मशीन। आपने अभी रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है? जो मशीन डेप्रिशिएट हो रही थी, जो मशीन अब कंडम हो गई थी, जो मशीन अब ऑब्सोलेट हो गई थी, कंडम हो गई थी, स्क्रैप हो गई थी, आपने उसको हटाया और उसकी जगह पे दूसरी मशीन को लगा दिया। रिप्लेसमेंट, याद रखना ये वर्ड। ये देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट, इसके लिए रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मीन्स डेप्रिसिएशन। आपने जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक था,
मान लो आपकी चार मशीनें थी, आपने उसमें से एक को हटा दिया, फिर एक ला दी, तो चार की चार हुई, रिप्लेसमेंट हुई है, एडिशन नहीं हुआ। दूसरा क्या है, इधर देखो, सेकंड प्लस करो, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मींस नेट इन्वेस्टमेंट। किसे कहते हैं सही मायने में नेट इन्वेस्टमेंट? वो जो आपने एक मशीन निकाली और एक ले आए, उससे मशीन में कुछ एडिशन नहीं हुआ, लेकिन यहां अगर आपके पास चार मशीन थी और आप एक नई मशीन ले आए, अब कितनी मशीनें हो गई सर? पांच। कितनी मशीन हो गई सर? पांच। तो जब पांच मशीन हो गई, तो अब बताओ इसके बढ़ने से, नेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, क्या आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी सर? बढ़ जाएगी ना सर। अगर हम पांच 50,000 पेन बना रहे थे, मार्कर बना रहे थे, तो अब हम बनाने लगेंगे सर 70,000 या 60,000, कुछ भी, बढ़ेगी ना प्रोडक्शन कैपेसिटी? हाँ सर बढ़ेगी। और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा दोगे, आप और ज्यादा लोगों को इंप्लॉय करोगे बेचने के लिए, बनाने के लिए। बोलो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी कि नहीं होगी? सर होगी ना सर, पक्का होगी। तो ये सब इंपॉर्टेंस है किसकी? नेट इन्वेस्टमेंट की। हम आगे पढ़ने वाले हैं नेट इन्वेस्टमेंट के पढ़ने से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? तो मैंने कहा था टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक, यानी उसमें वो मशीन भी आ गई जो आपने रिप्लेसमेंट के लिए ली, और वो भी आ गई जो आपने एडिशन किया, नया एडिशन। चार मशीन थी, कितनी मशीन थी किस वाले केस में? कितनी मशीन थी? चार। उसमें से आपने क्या किया? ये मशीन थी, कितनी मशीन? चार। ये मशीन अब क्या हो गई? डेप्रिशिएट। और आप फिर एक नई मशीन ले आए, अभी भी कितनी मशीन है सर? चार। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक था उसकी रिप्लेसमेंट की, डी को रिप्लेस कर दिया ई से। और ये कितनी मशीन थी सर? चार, ए बी सी डी। अब आप एक और मशीन ले आए ई, तो आप कितनी मशीन हो गई? अब कितनी मशीन हो गई सर? पांच। दिस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया? ये सही महीने में नेट एडिशन हुआ। इसके होने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसके होने से अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी किसकी? एम्प्लॉयमेंट की। इसके बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन के बढ़ने से कंपनी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और फिर हम क्या होंगे? अपॉर्चुनिटीज करेंगे एम्प्लॉयमेंट से। इसके बढ़ने से जो एक मशीन रियल में बढ़ी, ये तो रिप्लेसमेंट है, डी को हटाया ई को ले आए, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब बात करें नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो वर्ड अंडरलाइन कर लो, कौन सा सर? एक्चुअल एडिशन। यहां क्या था? टोटल एडिशन। यहां क्या है? एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। फिर वही बात आ गई ना, मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड का मतलब होता है एक साल, इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल है। अरे यार इतनी सिंपल लैंग्वेज है ना, कसम से कहता हूं, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, मैं लिख के व्हाइट पेपर पे लिख के साइन करके देने को तैयार हूं। चाहो तो व्हाइट पेपर में मुझसे साइन करवा लो। सर आप कैसे आओगे साइन करने के लिए? आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं साइन करके भेज देता हूं। आप लिखो सर ने मुझे श्योरिटी दी है 100 मार्क्स की, मैं साइन करके आपको दोबारा से इसको स्कैन करके भेजता हूं। आई कैन गिव यू गारंटी ऑफ 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। आई कैन इवन गिव यू गारंटी ऑफ 110 मार्क्स आउट ऑफ 100। सर आप मजाक पे आ गए सर, आप मजाक कर रहे हो। अरे 10 मार्क्स आपकी जो रियल में नॉलेज बढ़ने वाली है। तोता बन के भी कुछ लोग 90 मार्क्स ले जाते हैं, लेकिन रियल में अगर आप सीख जाओ कि आप पढ़ के रहे हो और उसका मजा आने लग जाए, तो उससे अच्छी पढ़ाई दुनिया में कोई नहीं हो सकती। उससे अच्छी पढ़ाई दुनिया में कोई हो नहीं सकती जब आप पढ़ने का मजा लेने लग जाओ। जैसे आप फोन पे खेलने का मजा लेते हो, टीवी देखने का मजा लेते हो, दोस्तों से गॉसिप का मजा लेते हो, अगर पढ़ने का मजा आने लग जाए, और उससे अच्छी पढ़ाई दुनिया में कोई हो नहीं सकती। और वो तभी आएगा जब आप टॉपिक की डेप्थ को जाके समझोगे,
ऊपर ऊपर से किताबों को पढ़ते चले जाओ तो किताबों में इतना कुछ लिखा है कि आप पढ़ते पढ़ते फिर पागल हो जाओ। इस सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर टॉपिक को हम खत्म कर सके। आ जाओ फटाफट आगे चले लो। तो फिर मैंने कहा नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जो टोटल एडिशन किया उसमें से जो हमने डेप्रिसिएशन के लिए मशीनें चेंज की थी उसे हटा दो तो क्या आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ये देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये भी लिख सकते हैं नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम प्लस कर दें डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये भी आ जाएगा। और भी आ सकता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ये भी बन सकता है। इक्वेशंस हैं, आप तीन इक्वेशन तो बना ही सकते हो। हाँ सर, और सुनो मेरी बात, आज यहाँ पे एक बात नोट करना, जहां कहीं भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हो मेरे बनाए हुए नोट्स को अगर आप फाइनल नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट आपको बनाने ही चाहिए। अगर आप बना रहे हो तो फिर मेरी बात सुनो, यहां लिखना गोल्डन रूल नंबर वन। जहां कहीं भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हो वहां यहां जाके लिखना गोल्डन रूल नंबर वन, और अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे चले जाना, सबसे पहले वाले पेज पे। देखो फर्स्ट पेज पे, ऐसे यहां फर्स्ट पेज पे रजिस्टर के चले जाना और फर्स्ट पेज पे जाके यहां लिख देना गोल्डन रूल नंबर वन। ये पहला गोल्डन रूल है जो आपको दिमाग में याद रखना है। सर ये गोल्डन रूल का क्या मतलब है? इन्हीं रूल्स के बेस पे मैं आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम सिखाने वाला हूं। मैं आपको चार टोटल गोल्डन रूल दूंगा, चार रूल हम सीखेंगे गोल्डन रूल्स, और उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन नेशनल इनकम कैलकुलेशन का कर जाएंगे। आई कैन गिव यू गारंटी ऑफ एनी बुक एनी एग्जाम, आप नहीं करें अगर 5 से 7 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा सारी क्लास में। आई कैन गिव यू गारंटी। बस आप बहुत सारे लोगों को ये ऐसी बातें मत सिखाना, बहुत सारे लोगों को, जो लोग आपसे जलते हैं ना उन्हें आप ये बातें मत सिखाना। अच्छे अच्छे बच्चों को आप ये बातें शेयर करो, जो पढ़ना चाहते हैं, जो रट्टा विकेशन करना चाहते हैं उन्हें जाने दो, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें आप शेयर करो, उन सब्सक्राइब करो, ये चीजें लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ हो, मैं और मेहनत के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है सर, आज आपने एडवर्टाइजमेंट पहले ही दे दी, आज आपने अपनी ऐड पहले ही कर दी। हाँ मैंने सोचा रोज लास्ट में ऐड करता हूँ, आज पहले ही ऐड कर दूं। लो तो आज मैंने अपनी ऐड दे दी, अब ऐड तो देनी पड़ेगी ना, पैसे भी तो कमाने हैं। आ जाओ फटाफट। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस। नेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होगा, इट रेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, वो तो है ही है, कैपिटल स्टॉक सही महीने में बढ़ा। यहां कितना था, चार, एक ऐड हो गया तो कितना हो गया, पांच। सही महीने में कैपिटल स्टॉक कहां बढ़ा, बिकॉज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। यहां बढ़ा नहीं सर, पहले भी चार थे अब भी चार, तो कहां पे बढ़ा स्टॉक, सर नेट इन्वेस्टमेंट। ये लो पहला पॉइंट आ गया। फिर उससे होगा क्या, दिमाग में आएगा फिर इससे क्या होगा, अगर हमारी मशीनें बढ़ जाएंगी, कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, सर मशीनों में बैट बॉल खेलेंगे। अरे नहीं पार, इधर आओ। इट विल राइज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, जितनी ज्यादा मशीनें होंगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। अभी वही बात हुई ना, दो मशीन थी तो आप 50,000 मैन बना रहे थे, तीन हो गई तो सर 60,000, चार हो गई तो सर 70,000, मे बी 80,000, बढ़ गई ना प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है लो, ये भी हो गया। अगर सर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, सर फिर इससे क्या होगा, इट हेल्प्स इन जीडीपी ग्रोथ, द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री विल इंक्रीज। द टोटल मींस ग्रॉस, टोटल मींस ग्रॉस डोमेस्टिक एक कंट्री के अंदर की प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ये तो मालूम है ना, जितनी ज्यादा मशीनें बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन जीडीपी ग्रोथ, और सर फिर उससे क्या होगा, सर इट विल जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितनी ज्यादा मशीनें होंगी उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतना काम बढ़ेगा। हो गया सर, हो गया, समझ में आ गया। तो लो आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड
डिफरेंस बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट वैसे तो आप कर चुके होंगे, फिर भी मैं दो चार पॉइंट लिखवा दूं, फिर हम टॉपिक नंबर फोर पे चलते हैं जिसका नाम था डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, फिर हम इसको आज खत्म करेंगे। आप नोट कर लो प्लीज। तो लोग आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। आप तो अच्छे से समझ चुके हो व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। तो छोटी सी दो डिफरेंस आप लिख लो, बाय चांस कोई पेपर में आए, इट इज द टोटल एडिशन इन कैपिटल स्टॉक, वही बात। फिर टोटल एडिशन क्या होता है आप जानते हो, इट इज द नेट एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक। ठीक है जी। दूसरा, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इट मीन्स रिप्लेसमेंट इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम रिप्लेस करते हैं, वही चार मशीनों वाली कहानी एग्जांपल दे सकते हो आप। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हम नेट एडिशन की बात करते हैं, हियर वी टॉक अबाउट नेट एडिशन। तो यहाँ हमारा टॉपिक नंबर थ्री अब खत्म हुआ, टॉपिक नंबर थ्री हमने आज खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर फोर के ऊपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। हम कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे, वैसे तो हम अच्छे से जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड द कैपिटल लॉस, हम उसके डिफरेंस को भी एक बार यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आओ फटाफट से स्टार्ट करें और हम पढ़ें डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप ये नोट कर लो, फिर हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं। आ जाओ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर टू में, वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। या हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन को हम इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे तो अकाउंट्स के बच्चे डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, 11th क्लास में आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड ऑल दैट, वो सब काम आप करते हो। लेकिन हम इसे इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, सेम है, लेकिन फिर भी एक बार आप देखो डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन पहली बात नोट करने वाली है, द टर्म डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन बाय एन अल्टरनेटिव नेम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब है फिक्स कैपिटल यानी असेट्स का कंजम्पशन। चार बार अंडरलाइन कर लेना, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। वो केस आपने देखा था, चार मशीनें थी ए बी सी डी, आपने डी को हटाया और उसकी जगह पे ई ले आए, डी कंज्यूम हो गई, कंजम्पशन खत्म हो गई, उसकी जगह पे ई आ गई, नेट एडिशन नहीं हुआ, सिर्फ रिप्लेसमेंट हो गई। तो डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और इसी नाम को आगे आप यूज करने वाले हो इन चैप्टर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैं आपको बोलता हूं ना अंडरलाइन कर लो, वहां आप अंडरलाइन कर लिया करो, जहां मैं कहूं रेड पेन से अंडरलाइन कर लो, वहां आप भी अपने पास एक हाईलाइटर रख सकते हो, हाईलाइटर से अंडरलाइन करते जा करो, या उसे हाईलाइट कर दिया करो, उसे हाईलाइट कर दिया करो, ताकि बाद में आपको पता लगे ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें बाद में दिमाग में रखना है। आओ आगे चले, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्लिक फोरसीन ऑब्सोलेंस। यानी जब कभी भी हम किसी मशीन को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है। आप अपने घर में भी जो स्कूटर आप लेके आए थे, जो एक्टिवा आप लेके आए थे, आज से दो साल पहले जब आपने वो परचेज की थी, वो 55,000 या 60,000 की थी, आज उसे मार्केट में अगर आप बेचने जाओगे तो कोई आपको उसके 30-35,000 ही देगा। कहाँ गए वो पैसे, वो वैल्यू जो उसकी गिर गई, वो क्यों गिर गई, बिकॉज यू हैव यूज्ड दैट स्कूटर। वो स्कूटी को आपने यूज किया, वो बाइक को आपने यूज किया, तो उसकी वैल्यू अब गिरती चली गई, क्यों, बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, घिस गई, उसका इंजन घिस गया, उसके टायर घिस गए, उसकी चेन में आवाज आने लग गई, बहुत सारी बातें। सर आपको कैसे पता, सर आप भी बाइक चलाते हो, हाँ मैं भी आपके जैसा इंसान हूं, मैं भी बाइक चलाता हूं, ठीक है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर, एक तो वो उससे उसकी वैल्यू ले जाना, और दूसरा वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है फोरसीन या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यानी कभी कभी देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपेक्टेड होती है, हाँ ऐसा हो सकता है। मान लो आप ये मार्कर बना रहे हो, आपने दो साल पहले ही मशीन लगाई थी और मशीन अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल न्यू पड़ी है,
मशीन में काम भी अच्छे से चल रहा है, ये मार्कर की प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन अब जमाना बदल गया, पीपल डोंट वॉन्ट टू यूज दिस मार्कर नाउ। अब ये व्हाइट बोर्ड का जमाना चला गया, एज्यूम कर लो, अब बताओ उस मशीन का आप क्या करोगे? सर हम उससे मार्कर बनाएंगे और बेचोगे कहा? सर बिकेंगे तो नहीं, तो फिर यूज कंडम हो गई मशीन, उस मशीन यूजलेस हो गई। दैट इज कॉल्ड फोर्सिंग ऑब्सोलेंस या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जो हमें पता है कि हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। मान लो आपको पॉलिथिन बैग्स बना रहे हो, पॉलिथिन बैग्स, वो पॉलिथिन बैग जिसमें आप सब्जी लाते हो जाते हो ना, मान लो आपको पॉलिथिन बैग का प्रोडक्शन करते हो और आपकी मशीन को लगे हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही है, द कंडीशन ऑफ मशीन इज स्टिल वेरी गुड, पर गवर्नमेंट ने पॉलिथिन बैग्स को बैन कर दिया, नो प्रोडक्शन ऑफ पॉलिथिन फ्रॉम टुमोरो नो प्रोडक्शन ऑफ पॉलिथिन। बोलो आप क्या करोगे इस मशीन का? सर हम पॉलिथिन बैग्स बनाएंगे और बेचोगे कहा? नहीं सर, बेच तो नहीं सकते, फिर बनाओगे नहीं ना, कंडम हो गई ना मशीन। दैट इज कॉल्ड द फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। वियर एंड टियर की बात नहीं है यहां पर, वियर एंड टियर वहां है जहां पर आप यूज कर रहे हो मशीन को और उसकी वैल्यू घट रही है, लेकिन ये मशीन अभी ठीक है, अभी और काम कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, आप कुछ नहीं कर सकते, या मार्केट में डिमांड नहीं है, जो आप बना रहे हो मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, लोगों ने आप वो चीज यूज करनी छोड़ दी, आप कुछ नहीं कर सकते, या बहुत बड़ा चेंज टेक्नोलॉजी में आ गया, अभी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज आ गया, अब उस चीज को लोग पसंद नहीं करते, अब तो लोगों को टच स्क्रीन चाहिए, फोन भी टच वाले चाहिए, वो बटन दबाने वाला काम अब नहीं है, और आपकी मशीन जो है वो नई है, बिल्कुल न्यू मशीन है, अभी 6 महीने पहले आपने लगाई थी और आप वो फोन बनाना शुरू कर चुके थे जिसमें वो बटन से आप नंबर डायल करते हो, अब उसकी डिमांड खत्म हो गई, वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, दीज आर एक्सपेक्टेड और ऑब्लिक फोर्सिंग जिन्हें हम देख सकते हैं ऑब्सोलेंस, ठीक है जी, ये भी हो सकता है। तो यहां पे मैंने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वियर एंड टियर, बाय नॉर्मल वियर एंड टियर वी मीन, इसका मतलब क्या है, बाय नॉर्मल वियर एंड टियर वी मीन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू देयर नॉर्मल यूज इन प्रोडक्शन, सिंपल है, कितनी सिंपल वर्डिंग है, और बाय एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या फिर फोर्सिंग बोलो, वी मीन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंज नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी, नंबर 2 चेंज इन डिमांड, नंबर 3 चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये था डेप्रिसिएशन छोटा सा, इसके बारे में भी हमने आगे और पढ़ना है डेप्रिसिएशन के बारे में, अभी ये टॉपिक एंड नहीं हुआ, लेकिन मैं यहीं पे एंड करता हूं क्योंकि अब रात के 11 बज चुके हैं और मुझे अभी आपके लिए अकाउंट्स की क्लास को भी रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहीं एंड करता हूं, हम कल मिलेंगे, तब तक लिए बाय बच्चों, आप इसको लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस नॉलेज को पहुंचाओ, अपने सभी यार दोस्तों को बताओ, जो भी 100 मार्क्स लेना चाहते हैं उन्हें हमारे साथ जोड़ो, और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है, तो आप उस पर मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, नहीं सर आपका नंबर नहीं है सर, तो आप लिख लो, मेरा नंबर है 8607103264। सर ठीक है सर, लिख दिया सर, चलो कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।